करती हूँ। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, तभी तो भगवान शिव को सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। भोलेनाथ को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है और इस महापर्व पे भोले बाबा को प्रसन्न करने के कुछ उपाय होते हैं, कुछ समय होती है और इस समय का ध्यान रखना, साथ ही कुछ चीजों का ध्यान रखना जो कि भोले बाबा को काफी प्रिय हो, उन चीजों का ध्यान रखना काफी महत्वपूर्ण होता है, जिसका सभी को अच्छा फल भी मिलता है। इस महाशिवरात्रि को त्रयोदशी तिथि फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की तिथि को प्रत्येक साल मनाया जाता है। शिवरात्रि के इस महापर्व पर हम आज आचार्य जी से जानेंगे कि क्या कुछ करना चाहिए, क्या महत्व होता है इस महाशिवरात्रि का, किन लोगों को किस प्रकार से पूजा अर्चना करनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राम जी मिश्रा, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की आराधना कैसे करनी चाहिए, शुभ मुहूर्त क्या है। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि शुभ मुहूर्त कितने बजे का है, और पूरे दिन पूजा अर्चना करते रहते भक्त, पूरी रात जागते महाशिवरात्रि के दिन, तो भक्तों को किस प्रकार भोले बाबा को प्रसन्न करना चाहिए। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। भगवान शिव की महिमा परम्पार है। भगवान भोलेनाथ ही सृष्टि के संहार करता और पालन करता है। भगवान शिव का इस शिवरात्रि से बड़ा ही लगाव है। ये शिवरात्रि प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के रूप में मनाई जाती है। शिवरात्रि हर महीने होती है, लेकिन महाशिवरात्रि ये वर्ष में एक बार पड़ती है। और इस महाशिवरात्रि में भगवान भोलेनाथ का पूरे विश्व में जय जयकार होता है। भगवान शिव की महिमा तीनों लोकों में सभी को ज्ञात है। भगवान शिव संहार करता, जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि करता, संसार के रचयिता ब्रह्मा जी हैं, और विष्णु जी पालन करता, रूप रंग वेशभूषा देने वाले भगवान विष्णु हैं, किस प्रकार रखना है, किस प्रकार सुख देने वाले, और संहार करता, कहाँ मृत्यु होना, कैसे होना, किस कारण से होना, इसके कारक भगवान शिव हैं। इसे शिव की पूजा अर्चना करने से संकटों से, मृत्यु से, बाधाओं से रक्षा होती है। आचार्य जी, अगर बात करी जब महाशिवरात्रि के दिन पूजा की, तो पूजा का विधि विधान क्या है, किन चीजों का उपयोग करना चाहिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। शिव को पूजा करने का सबसे सरल उपाय है, शिव ही तो इसीलिए उनको भोलेनाथ कहा गया है। भगवान शिव की पूजा अर्चना, इनका रुद्राभिषेक जो आपने सुना होगा, रुद्राभिषेक का बड़ा ही महत्व है। भगवान शिव को रुद्राभिषेक करने से अलग अलग प्रकार से अलग अलग फल की प्राप्ति होती है, जैसे दूध से, दही से, गन्ने के रस से और तेल से, कई प्रकार से भगवान शिव को अभिषेक होता है। जिसमें भगवान शिव को अभिषेक क्यों होता है, इस पर आज हम आपको विशेष बताएंगे, क्योंकि सभी को अन्य देवताओं का भी अभिषेक होता है, लेकिन शिव के ही अभिषेक का महत्व पूरे संसार में क्यों प्रचलित है। शिव जी का पूजन करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और शिव जी का जब समुद्र मंथन हुआ, सभी पहले जानते थे कि विष्णु जी बड़े हैं, ब्रह्मा जी बड़े हैं, लेकिन सभी को जब समुद्र मंथन हुआ तब ज्ञात हुआ कि सबसे महान शिव जी हैं, जो पूरे संसार को बचाने वाले हैं। आज अगर पूरा संसार जीवित है तो यह शिव की ही कृपा है। जब समुद्र मंथन हुआ, वहाँ से विष का घड़ा निकला, हाहाकार मच गया, देवता राक्षस घबराने लगे, मूर्छित होकर के गिरने लगे। देवताओं ने ब्रह्मा जी की स्तुति की, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि संसार में अगर कोई इस हलाहल से बचा सकता है तो भगवान शिव ही है। तो सभी देवताओं ने शिव की आराधना प्रारंभ की, त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा करें रक्षा करें। भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए, उन्होंने देखा पूरा संसार संकट में है, पूरे जगत को बचाने के लिए उन्होंने उस हलाहल को स्वयं पान कर लिया। जैसे भगवान शिव ने हलाहल का पान किया है, पूरे शरीर में आग ऐसी ज्वाला भभकने लगी, ब्रह्मांड हिलने लगा, देवता राक्षस घबराने लगे। देवताओं ने भगवान शिव के ऊपर जल से धारा छोड़ना प्रारंभ किया, लेकिन भगवान शिव की जलन शांत नहीं हुई, फिर दुग्ध से धारा छोड़ने लगे। जैसे भगवान शिव के ऊपर दुग्ध से धारा छोड़ी जाने लगी, भगवान शिव को शीतलता मिलने लगी, और तभी से पूरे जगत में ऐलान हो गया
कि सभी देवता, राक्षस, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व सभी भगवान शिव की आराधना करेंगे और शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर शिव प्रसन्न रहेंगे तभी जगत प्रसन्न रहेगा और शिव तभी ज्योतिर्लिंग की चारों तरफ स्थापना की जाने लगी। इसीलिए भगवान शिव ने अपना स्थान कैलाश पर्वत, अमरनाथ ऐसे ठंडी जगहों पर बनाया जहाँ सदैव बर्फ पड़ती रहती है, जिससे भगवान शिव को शीतलता मिलती रहे। हम कहते हैं कि उनका त्रिनेत्र न खुलने पाए। त्रिनेत्र क्या है? त्रिनेत्र उनका क्रोध। अगर उनको क्रोध जागृत हुआ तो गले से क्या निकलेगा? विष निकलेगा, जिसको उन्होंने धारण किया है पूरे जगत की रक्षा के लिए। इसीलिए पूरे जगत के भगवान शिव ही पिता हैं। और जैसे भगवान शिव ने उस शिव को पता चला कि पूरा संसार संकट में है, उन्होंने अपने कैलाश पर्वत, अमरनाथ ऐसी ठंडी जगहों पर बैठ करके तपस्या में लीन हुए और सभी के कल्याण के लिए। हम आज कई पिक्चरों में ऐसा देखा गया है, हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि इतना दूध चढ़ाने से अच्छा है कि गरीबों में बांट दीजिए। कितना हम लोग दूध गरीबों में बांटते हैं, केवल कहने की बात है। भगवान शिव को प्रसन्न कर, जिन्होंने पूरे जगत को बचाया, आज पूरे जगत को बचाने के लिए उन्होंने अपने कंठ में विष धारण किए हुए हैं, उनके लिए हमारे मन में ऐसी धाराएँ उत्पन्न होती, कितनी बड़ी विडम्बना है आप सोचिए। जो भगवान शिव की पूजा नहीं करते हैं वो मनुष्य होते हुए भी पशु के श्रेणी में आते हैं। इससे भगवान शिव ही पूरे जगत के आधार हैं, पूरे जगत को बचाने वाले हैं और भगवान शिव की महिमा पूरे तीनों त्रिलोकों में व्याप्त है। आज हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि ये शिवरात्रि आज का इसका महापर्व किस लिए मनाया जाता है। जी, तो शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का विवाह हुआ था और भगवान शिव पार्वती जी के साथ आज उनका पूजा करने से बड़ा ही महत्व है। और आज के दिन एक और भी शास्त्रों में है कि आज के ही दिन भगवान शिव ने अग्नि तत्व के ज्योतिर्लिंग में अपने निराकार स्वरूप से साकार रूप में प्रकट हुए थे, जिससे पूरे संसार में भगवान ज्योतिर्लिंग में व्याप्त हो गए थे। तो भोले बाबा की महिमा के बारे में तो बता दिया आचार्य जी ने। अब आचार्य जी, हम ये जानना चाहेंगे कि महाशिवरात्रि के पीछे की कथा क्या है, कब से शुरू हुआ ये महापर्व मनाना और किन लोगों को मनाना चाहिए महाशिवरात्रि का पर्व? जैसा कि हमने अभी आपको पहले भी बताया है कि ये महाशिवरात्रि का जो पर्व है ये भगवान शिव का प्राकट्य है। ज्योतिर्लिंग में, अग्नि ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव आज ही प्रकट हुए थे। और ऐसा भी शास्त्रों में है कि ये सृष्टि का पहला दिन भी है। सृष्टि का अवतरण भगवान ज्योतिर्लिंग में जब उत्पन्न हुए तभी से पूरे ब्रह्मांड में पूजा प्रारंभ हुई। और आज के महाशिवरात्रि पर्व के बारे में अब ये भी बताएंगे कि स्त्रियों के लिए जिनको वर प्राप्ति, उत्तम वर की प्राप्ति चाहिए, वो भगवान शिव भोलेनाथ की उपासना करें, इससे उनको बहुत ही लाभ मिलेगा। जब पार्वती जी भगवान शिव को पाने की लिए व्रत कर रही थी, पेड़ में नीचे लटक कई कितनी बड़ी घनघोर तपस्या की पार्वती जी ने भगवान शिव को पाने के लिए, तो नारद जी, नारद मुनि वहाँ आए, उन्होंने कहा कि आप भगवान विष्णु जी का वरण करें। पार्वती जी से, उनके हिमालय से कहा कि आप विष्णु जी का वरण करें, तो हिमालय बहुत प्रसन्न हो गए, जो पार्वती जी के पिताजी थे वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि अगर स्वयं भगवान विष्णु हमारी कन्या को लेना चाहते हैं तो इससे और अच्छा क्या हो सकता है। तो भगवान, जब ये पार्वती जी को पता चला तो जंगल में विचरण के लिए चली गई और अपनी सहेलियों के साथ में, और उधर उनके घर में सभी विवाह की तैयारियां हो रही थी। तो बाद में पता चला सभी को कि वो क्यों चली गई है वन में, तो उनके पिताजी खोजते खोजते जब जंगल पहुंचे हिमालय, तो देखा कि एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रही हैं। तो उन्होंने पूछा, तो पार्वती जी ने कहा कि हम जो है अपने भोले बाबा को ही सर्वस्व समर्पित कर चुकी हैं और हम भोले बाबा को ही, भगवान शंकर को ही अपना पति रूप में मान चुकी हैं, तो इसीलिए उन्होंने
अब भगवान भोलेनाथ को ही अपने पति के रूप में चुना, इसलिए ये महाशिवरात्रि का व्रत जो है ये पति को पति की प्राप्ति के लिए भी बहुत उत्तम व्रत है। जिन कन्याओं का विवाह विलंब से हो रहा है या विवाह होने में देरी है या विवाह हो चुका है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ सभी के पति हैं और सभी के पिता हैं। भगवान भोलेनाथ एक ऐसे देवता हैं जीव किसी भी प्रकार का कोई भी ग्रह अरिष्ट है, सूर्य चंद्रमा तारा ग्रह नक्षत्र मंडल ये सभी समय से ही चलते हैं और समय भगवान शिव ही चलाते हैं, क्योंकि उनको महाकाल कहा गया है। काल के संसार में दो अर्थ हैं, एक मृत्यु और दूसरा समय, जो किसी के अधीन नहीं है। ना ही आज तक कोई मृत्यु को जीत पाया, जान पाया, ना ही कोई समय को। जिसका काल आ गया उसको संसार छोड़ के जाना पड़ गया। भगवान शिव को महाकाल कहा गया, कालों के भी काल। इसीलिए सूर्य चंद्रमा तारा नक्षत्र मंडल ये सब अपने अपने समय से ही चलते हैं और जो समय भगवान शिव ही चलाने वाले हैं। इसीलिए पूरे जगत में भगवान शिव को महाकाल भी कहा गया है, मृत्युंजय, मृत्यु को भी जीतने वाले। इसीलिए भगवान शिव की पूजा करने से मृत्यु से संकटों से बाधाओं से कोई भी ग्रह अरिष्ट है आप भगवान शिव की आराधना करने लगिए, आपके सारे ग्रह धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। अगर बात करी जाए बेलपत्र की, भगवान शिव को बेलपत्र अवश्य चढ़ाया जाता है, उसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है, तो इसका क्या महत्व है और बेलपत्र कैसे चुन के चढ़ाने चाहिए? कहा जाता है जो खंडित हो उनको नहीं चढ़ाना चाहिए, कितनी संख्या में चढ़ाना चाहिए? त्रिशाक है बिल्व पत्र से अच्छिद्र कोमल सुह तो पूजा कर श्याम बिल्व पत्रम शिवार्पण। भगवान पे तीन पत्तियों वाली लगी बिल्व पत्र चढ़ाने से बड़ा ही लाभ मिलता है। बिल्व पत्र भगवान शिव को सबसे प्रिय है। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिदायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पण। तीन जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं जो भगवान के ऊपर बिल्व पत्र चढ़ा देते हैं। कुछ ऐसी भी लोगों का प्रश्न रहता है कि बिल्व पत्र अगर कटा है तो नहीं चढ़ाते हैं या देकर, तो कहीं कहीं ऐसे स्थान हैं जहाँ पर बिल्व पत्र नहीं मिल पाती है, ज्योतिर्लिंग है तो उन पे बिल्वपत्र का चूरा चढ़ता है जो टूट जाती है। तो ऐसा ना सोचे उस पे लिखा ना हो और बिल्वपत्र धुल करके लिखा, जो बिल्वपत्र लोग चढ़ा चुके हैं, इतना बड़ा महत्व है कि अगर बिल्वपत्र कोई भक्त भगवान पे चढ़ा चुके हैं और उसको भी आप धुल करके भगवान को फिर से चढ़ा सकते हैं, इतना बड़ा बिल्वपत्र का महत्व है। तो बिल्वपत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए भगवान शिव पर। बिल्वपत्र चढ़ाने से सभी मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं। जब भोले बाबा का अभिषेक करा जाता है उसमें दही भी होती है, शहद भी होता है, तिल भी होता है, पुष्प भी होते हैं, इन सब का महत्व क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए भोले बाबा पे, तो इसे क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, ये बहुत ही सभी के जानकारी के लिए। देखिए भगवान पहले तो ये बताते हैं कि सिंदूर क्यों नहीं, सिंदूर जो है माँ पार्वती को चढ़ता है, तो शिव जी का जो लिंग है उसमें सिंदूर न लगा करके शिव जी का जो अर्घा में एक स्थान होता है उसमें भगवान को अर्घे में सिंदूर चढ़ाया जा सकता है। अर्घे में चढ़ाने से वो माँ पार्वती को सौभाग्य की प्राप्ति के लिए चढ़ाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और जो चीजें भोले बाबा को चढ़ाई जाती हैं ये सभी ठंडी चीजें, देखिए भगवान शिव ने हमने कहा हलाहल का पान किया और इसीलिए उनका पूरा गला नीला है, इसीलिए उनको नीलकंठ भी कहा जाता है जी। तो भगवान शिव को जब हम ठंडी, जैसे दही है ये भी ठंडा होता है, दूध भी, और ये सभी पंचोपचार से उनका हम पूजन करते हैं और उनके ऊपर ये सभी पाँचों चीजें दूध दही घी शक्कर शहद ये सभी अर्पण करते हैं तो भगवान को आनंद आता है और उसी से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। और प्रसन्नता जब हम शिव को प्रसन्न करते हैं जी, तो पूरा जगत प्रसन्न होता है, क्योंकि भगवान शिव को ही अगर क्रोध आता है तो गले से विष निकलता तो सभी हाहाकार की स्थितियां, बीमारी फैलना, रोग ये सभी फैलते हैं। और जब भगवान शिव प्रसन्न होते हैं तो भगवान शिव आशीर्वाद प्रदान करते हैं जिससे सभी का कल्याण होता है। और जब हम कोई ऐसी पूजा करते हैं जिससे सभी का कल्याण हो, क्योंकि अपने लिए तो सभी कुछ सब लोग करते हैं लेकिन शिव जी की पूजा के लिए शास्त्रों में लिखा है कि शिव जी की पूजा करने से सभी का, क्षेत्र का, विश्व का कल्याण होता है। और जब हम ऐसी कोई कामना करते हैं, ऐसी कोई पूजा करते हैं कि जिससे सभी का कल्याण हो, तो सबसे पहले करने वाले का कल्याण होता है। इसलिए समय पर शिव जी का पूजा करने से अति उत्तम लाभ होता है। इसको हम सभी जो भी दर्शक प्राइम टीवी
न्यूज चैनल पे देख रहे हैं, सभी से हम कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग भगवान शिव को जैसा भी हो सके, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को ऐसा लिखा है कि जो भी आप अर्पण करेंगे वो सभी, इसीलिए उनको भोलेनाथ कहा गया, उनको चाहे बिलपत्र चढ़ाइए, भांग चढ़ाइए, धतूरा चाहिए, भस्म चढ़ाइए, जो भी आप अर्पण करेंगे भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। और आशीर्वाद भी कैसा कि हर प्रकार से बाधाओं से रक्षा, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि कुछ दिनों से कुछ ग्रह सारे एक तरफ आ गए हैं और एक ही राशि पे, मकर राशि पे सारे ग्रह गोचर करके पहुंच रहे हैं, और ये स्थिति एक यही नहीं पूरे ब्रह्मांड में स्थिति ऐसी हो रही है, जिससे पूरे ब्रह्मांड में देखिए युद्ध ऐसी हालात, कई कई देशों में इसमें युद्ध भी चल रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि सारे ग्रह मकर शनि के साथ में सारे ग्रह इसमें गोचर कर रहे हैं, और अभी शुक्र और मंगल भी उसी राशि में पहुंचने वाले हैं, पहुंच गए हैं। तो ये स्थिति जो ब्रह्मांड में बनी हुई है ये सबके लिए बड़ी ही घातक है। तो इसमें हम सभी से कहेंगे, जो भी दर्शक देख रहे हैं, कि आप सभी लोग भगवान शिव की आराधना करिए, क्योंकि शिव ही पूजा करने से आपकी रक्षा करेंगे, परिवार की रक्षा करेंगे, और जो विश्व में अशांति फैली हुई है इसमें सभी की भगवान भोलेनाथ रक्षा करेंगे। तो इसलिए इस पूजा में अवश्य, इस महापर्व में, क्योंकि शिवरात्रि रात्रि का बड़ा महत्व है, और इस पूजा में पूरी रात दिन लोग जग करके देखिए, कांवरिया इस समय लेकर के सब भगवान शिव के यहाँ पहुँच रहे हैं, कितने कांवरिया। तो ये जो महापर्व है ये आज से नहीं, सभी देवता यहाँ पर, हम लोग पृथ्वी लोक में पूजा करेंगे और ब्रह्मांड में सभी देव, देवलोक में सभी देवता भगवान शिव की आराधना और शिवरात्रि के पर्व में सम्मिलित होंगे। इससे जो भी सनातन धर्म से लोग जुड़े हैं उन सभी से आग्रह करेंगे, सभी लोग भगवान शिव का पूजन करें, और जो भी कोई भी शिवालय न बचे। हम यहाँ से इस स्थान से कहना चाहेंगे कि कई कई ऐसे स्थान होते हैं, छोटे छोटे मंदिर, जहाँ लोग जल चढ़ाने नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन शिवरात्रि में कोई भी ऐसा ज्योतिर्लिंग न छूटे, कोई छोटा मंदिर न छूटे जहाँ पर भगवान को कल दूध या जल न चढ़े। इसलिए सभी से विनती, क्योंकि भगवान पे जल चढ़ाने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। आचार्य जी, अगर बात करी जाए शिवरात्रि की रात को जागने की, रात में जाग के पूजा करने का ज्यादा महत्व क्यों होता है? दिन में भी लोग पूजा करते हैं, पूरे दिन आराधना करते हैं, लेकिन रात का ही महत्व सबसे ज्यादा क्यों है? रात्रि, शिवरात्रि, महारात्रि, कालरात्रि, कई प्रकार की रात्रियां हैं, जिसमें शिवरात्रि सबसे मुख्य मानी गई है, क्योंकि शिवरात्रि में भगवान का विवाह भी संपन्न हुआ था, और पूरी रात्र भर जब भगवान भोलेनाथ जागेंगे तो पूरा संसार जागेगा। इससे आज के दिन उत्सव मनाने में, भगवान की विनती करने में, गुणगान करने में, रुद्राभिषेक करने में, या जिस प्रकार भी हो, जितने भी देर हो आप व्रत रहेंगे तो जागरण करेंगे तो जागरण का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि रात्रि जागरण, हम लोग दिन रात सोते रहते हैं सुबह शाम जब भी अधिकतर, तो इससे रात्रि में अगर हम जागरण करके भगवान शिव की महिमा का गुणगान करेंगे या पूजा करेंगे तो अधिक, अत्यंत गुना अधिक जो है लाभ मिलता है। भोले बाबा पे कौन कौन से फल अर्पित करनी चाहिए, उनको कौन से फल पसंद है? पसंद की बात अगर हम करें तो हर एक देवता को अलग अलग फल मिष्ठान अलग अलग पसंद है जी। जैसे चढ़ाया तो सभी कुछ जा सकता है, लेकिन जो उनको प्रिय है उन देवता को अगर उस प्रकार से हम लोग अर्पण करेंगे वो वस्तु, तो और अधिक हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो जैसे भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद मीठा दूध की बर्फी या दूध बहुत प्रिय है, तो इससे दूध की बनी हुई बर्फी है, दूध दूध भी अर्पण कर सकते हैं, दूध में चीनी डाल के भी अर्पण कर सकते हैं, और मिष्ठान में दूध का बना हुआ, और फल में जैसे बेल फल है, भगवान को बहुत प्रिय है, केला का फल है, बेल फल है, धतूरा का फल है, क्योंकि इतना उन्होंने विष का पान किया तो पूरा गले में गला नीला नीला, इसलिए भांग भी चढ़ता है। फलों में अब बेलफल, धतूरा का फल सबसे प्रिय माना गया है, भगवान को चढ़ाएं। और जो भी मौसमी फल आते हैं, फलों में जो उस समय ऋतु के अनुसार जो फल आ रहे हैं वो भगवान को अर्पण करने चाहिए, इससे भगवान शिव और सभी देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव के साथ में माँ पार्वती जी का भी पूजन ध्यान करें, क्योंकि पार्वती जी उनकी अर्धांगिनी है। अब शिव जी का पूजन शिवरात्रि में करने से करते समय माँ पार्वती जी का भी ध्यान लेना है, क्योंकि आज विवाह भी हुआ था। इससे सभी भक्तों को, सभी दर्शकों के कहना चाहेंगे कि शिव जी के साथ में पार्वती जी का पूजन और मंगला गौरी, गौरी जी का भी पूजन करेंगे, और जो भी साल भर में नहीं भगवान की पूजा में सम्मिलित हो पाए, नहीं कर पाए हैं, वो आज इस महापर्व में, महाशिवरात्रि के पर्व में भगवान पे पूजा करके, दर्शन करके पूरे वर्ष का फल
आज प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आज का बहुत बड़ा महापर्व है, इसमें सभी लोग हिस्सा लें, सभी लोग सम्मिलित हों और अपने इस मानव जीवन को धन्य बनाएं। आचार्य जी, कोई भी पूजा शुरू होती है तो गणेश जी की आराधना के बिना संपन्न नहीं होती, शुरू नहीं होती, तो शिवरात्रि में गणेश जी की पूजा का कितना महत्व है और गणेश जी की पूजा से शुरू करेंगे, आपने अभी बताया कि माँ पार्वती की भी आराधना करनी है, कार्तिकेय की पूजा के लिए किस तरह से पूजा करी जाए और जो शिव परिवार है एक साथ पूजा करने का क्या महत्व होगा? बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया कि भगवान जब शिव जी का पूजन करेंगे तो अन्य उनके जो गण है और जो उनके परिवार के सदस्य हैं, तो देखिए हम हिंदू धर्म सनातन धर्म पूरे सभी को लेकर के चलने वाला धर्म है और इसमें जैसे कई लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में सनातन धर्म में तो एक ही देवता की आप पूजा करिए, हमारे मतलब एक ही देवता की पूजा करें तो सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि अन्य धर्मों में एक ही देवता को हम मानते हैं लेकिन हमारे हिंदू धर्म में गणेश जी को भी मानेंगे, शिव जी को भी मानेंगे। तो ये सत्य है, हमारे गृहस्थ से अगर आप जुड़े हैं तो आपको ऐसा करना ही होगा, क्योंकि हम आप सोचिए कि हम किन अपने परिवार में किसको आप छोड़ देंगे, अपने माता को छोड़ देंगे, पिता को छोड़ देंगे, किसको नहीं मानेंगे, या कोई आपके यहाँ त्यौहार पड़ता है तो आप किसको नहीं बुलाएंगे, मौसी को भी सम्मान देंगे, बुआ को भी देंगे। तो इसी प्रकार हमारा हिंदू धर्म सनातन धर्म में सभी को जोड़ने का कार्य करता है कि अगर आप शिव जी का पूजा करेंगे तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा करके ही, क्योंकि गणेश जी को तो वरदान है सबसे प्रथम पूजनी का, तो इससे पहले गणेश जी का ही पूजन करेंगे और फिर गौरी जी का पूजन, फिर कार्तिकेय जी का पूजन और फिर नंदी जी का और फिर नागराज का। कार्तिक गणेश जी का पूजन, गणेश जी संतान के प्रदाता, धन धान के प्रदाता, मांगलिक कार्यों के प्रदाता, ऐश्वर्य के प्रदाता है, इससे गणेश जी का पूजन आवश्यक है। फिर कार्तिकेय जी, कार्तिकेय जी पराक्रम के स्वामी है, साहस के स्वामी, उनका स्मरण करने से शरीर में रक्त का संचार तेज हो जाता है, इसे कार्तिकेय जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। विजय की प्राप्ति और दुर्घटनाओं से बाधाओं से रक्षा के लिए कार्तिकेय जी का पूजन तो अति आवश्यक है शिव पूजा में। और फिर नागराज का, नाग भगवान के गले में लिपटे हुए देखे होंगे आपने जी, गले में भगवान शिव जी के नाग लिपटे हैं और धरती नाग के फन पे टिकी है और लक्ष्मण जी बलराम जी शेषा अवतार में थे और पूरी और जब कृष्ण अवतार थे तब भी नागराज थे और जब रामा अवतार थे तब भी नागराज थे। और नाग का पूजा करने से पितृ दोष, काल सर्प दोष, राहु दोष, मानसिक तनाव, पेट के विकार, कई प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं, इससे नाग देवता और धन के तो कारक हैं। सभी को पता है जी कि कुबेर धन के स्वामी हैं, लेकिन ये बहुत ही कम लोगों को जानकारी है कि नाग देवता धन के रक्षक हैं, भगवान शिव ने उनको पद प्रदान किया है। इससे नाग देवता का पूजन हर एक मनुष्य को करना चाहिए और ये शिव पूजा में ही संभव है, क्योंकि अलग से नाग पंचमी के दिन नाग का पूजन होगा, लेकिन शिवरात्रि के महापर्व पर या शिव जी की पूजा में नाग देवता का विशेष महत्व है और विशेष उनका पूजा करने से इससे धन की प्राप्ति, धन ही मनुष्य का काल होता है जी। और धन ही के रक्षक कौन है? सर्प है, जहाँ धन है वही सर्प का वास है, जहाँ सर्प है वही विष है, इसीलिए धन ही मनुष्य का काल बनता है। बहुत अधिक धन है अगर उसका मार्ग सही नहीं है, वो धर्म में अधिक दशांश उसका धर्म में नहीं जा रहा, तो वही धन मनुष्य के लिए काल बन जाता है, इससे मनुष्य को चाहिए कि अवसर पर, इसीलिए राजा महाराजा लोग पहले नाग की पूजा करते थे, नाग मंदिर बनवाते थे जी। और ये जो रुद्राभिषेक है ये राजसी पूजा है, इसको पहले राजा महाराजा लोग किया करते थे अपने शरीर की रक्षा के लिए, इसलिए कोई राजा अपनी आयु पूर्ण आयु नहीं जी पाते थे, कहीं उनको बीच में उनके सेनापति मार देते थे या उनके पारिवारिक सदस्य उनको मार देते थे, वो अपनी पूर्ण आयु इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके जो राजकोष में जमा हुआ धन उनका काल बन जाता था। इसीलिए धन अगर अधिक है तो उसका एक तो अच्छे कार्यों में उसको खर्च करें, धर्म में खर्च करें और शिव जी की पूजा करते ना, जिससे वो धन आपके लिए मारक न बने। जी आचार्य जी, जिन लोगों को कोई ना कोई बीमारी है, रोग दोष से भी मुक्ति दिलाते हैं भोले बाबा, तो जिन लोगों को कोई कठिन बीमारी है उन लोगों के लिए ये महत्व, ये पर्व कितना अहम है, उन लोगों को किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए भगवान शिव की जो रोगों से मुक्ति मिल सके? बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि कलयुग चल रहा, काल का युग है और इस काल के युग में मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है, बीमारी समस्या अभी देखिए आप कोरोना भी ख़त्म भी नहीं हुआ, तो इस प्रकार के रोग और कई और रोगों से बहुत
भयंकर रोगों से कई प्राणी ग्रसित रहते हैं। और कहीं भी आप ज्योतिषी के पास जाएं, किसी पंडित जी के पास जाएंगे, तो आप यही कहेंगे कि भैया उनके पास पूछने जाएंगे, वो कहेंगे महामृत्युंजय कराइए। देखिए भगवान शिव ही एक ऐसे देवता हैं जो किसी भी मृत्युंजय मृत को भी विजय मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करने वाले। इसीलिए जो भी बहुत ही बीमारियों से ग्रसित हैं उन भक्तों से भी हम कहना चाहेंगे कि वो भगवान शिव की आराधना में लग जाएं, क्योंकि सारे ग्रह मृत्यु शनि और यमराज उनके गण हैं भगवान शिव के, जो किसी को नहीं सुनते ना ही किसी को मानते हैं। अगर शनि रुष्ट हो गए या यमराज आ गए तो किसी को बख्शते नहीं है, क्योंकि वो महाकाल के ही उपासक हैं। इसलिए जो भक्त महाकाल की भगवान शिव की आराधना करते हैं उनके ऊपर एक बार शनि और यमराज भी अपनी दया दृष्टि दिखा देते हैं। इससे भगवान शिव की आराधना करने से सभी प्रकार से रोगों से और संकटों से बाधाओं से मुक्ति मिलती है और दीर्घायु प्राप्त होती है। जो लोग अपने जीवन में तरक्की चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, उनके लिए इस पर्व पर पूजा करना कितना सही रहेगा? उन लोगों को तरक्की के मार्ग लोगों के कैसे खुल सकते हैं इस पूजा से, महापर्व से, महाशिवरात्रि से? देखिए अभी ग्रहों को बदलाव सभी राशियों के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। सभी राशियां कुछ न कुछ, इस समय 12 राशियां हैं, 12 राशियों के ही सभी जितने भी जातक हैं सब उसी के अंदर आते हैं अंतर्गत जी। और उस सभी राशियां जब ग्रहों में हलचल होती है तो प्रभाव कुछ न कुछ सभी राशियों पे डालती है। कोई मानसिक तनाव में है, कोई नौकरी के लिए, कोई विवाह के लिए, कोई किसी के लिए परेशान है जी। ऐसी स्थिति में भगवान शिव, क्योंकि शिव ही ग्रहों को चला रहे हैं, सारे ग्रह चलायमान हैं और सारे ग्रहों को भगवान शिव ही चलाते हैं ऐसा शास्त्रों में माना गया है, क्योंकि इन्हीं को महाकाल कहा गया और काल समय को हमने बताया आपको जी। तो समय से ही सारे ग्रह भी चल रहे हैं। अब हम देखते हैं सूर्य चंद्रमा ग्रहों की चाल हम लोग देख लेते हैं, तो इसका मतलब पूरे सृष्टि को केवल महाकाल ही चला रहे हैं। और जो महाकाल की शरण में चला जाएगा उसका हर प्रकार से उसका ग्रह कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। इसलिए भगवान शिव की शरण में जाने से जो राशियां इसमें थोड़ा सा, क्योंकि ये परिवर्तन का समय है जी। इधर देखिए अभी इलेक्शन हुआ है जी। अभी इधर और सारी हलचल मची हुई है, कुछ लोगों में इसकी हलचल मची हुई है मुख्यमंत्री और विधायक के उसमें, और कुछ इसमें नया वर्ष आने वाला हिंदू सनातन धर्म से भी होली के बाद आ जाएगा जी। तो होली में वैसे भी हमारा हिंदू सनातन धर्म से नया वर्ष प्रारंभ होता है जी। तो ये अवसर जो आने वाला है ये ग्रहों को बदला वाला है। मार्च का जो महीना है वो बड़ा ही ग्रहों के उथल पुथल वाला रहता है जी। तो इस अवसर पर सभी राशियों को बहुत ही प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल आचार्य जी, हमने ये तो जान लिया कि महाशिवरात्रि के दिन क्या करना चाहिए, किस तरह से पूजा करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। लोगों को पता होना चाहिए कि शिवरात्रि के दिन क्या नहीं करना चाहिए। देखिए करना नहीं चाहिए सबको, एक तो हम कहेंगे कि व्रत रखना चाहिए जी। पहली चीज़ तो सभी को, ज़्यादातर लोगों, एक तो मंगलवार का दिन पड़ रहा है और जो 14 तिथि जब मिलती है तभी भगवान का ये महापर्व होता है जी। इसलिए सबको ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य से प्रयास ये करना चाहिए कि सभी लोग ब्रह्मचर्य से रहें और व्रत रह कर रहें और झूठ ना बोलें। ये सभी ऐसी चीज़ें हैं क्योंकि ये हमारे जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण ये अवसर हैं। इन पे हम कुछ चीज़ों को जब अच्छा करने की कोशिश करते हैं, व्रत रहने से क्या होता है हमारे शरीर की सभी इंद्रियां को आराम मिल जाता है, इससे व्रत रहना भी चाहिए और भगवान का भजन रात्रि जागरण करना चाहिए और ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य से रहेंगे तो आपका पूजा में मन लगेगा और आप भगवान के करीब बहुत ही निकटस्थ रहेंगे। तो इससे ब्रह्मचर्य से रहें और झूठ ना बोलें, आपस में क्रोध न करें, पति पत्नी में आपस में जो झगड़े नहीं, क्योंकि इससे जो है व्रत का कोई महत्व नहीं रह जाता है। जब आपस में प्रेम नहीं, प्रेम का एक दिवस है जी। क्योंकि जो शिवरात्रि है ये प्रेम का ही दिवस है, इसमें भगवान शिव जी आज पार देवी जी को प्राप्त किए थे कि वहाँ पर, इसीलिए इसको कहला है। तो इसलिए जितना हो सके प्रेम से रहें और दूसरे को भी प्रेम बांटें, दूसरे से भी प्रेम करें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। ये आप अगर करेंगे तो ये पर्व आपके लिए आने वाले समय के लिए
बहुत उत्तम होगा, क्योंकि अभी तो जो समय चल रहा है, जो इसके बाद आने वाला है एक दो महीने के अंदर समय, जो बड़ा भयानक स्थिति बीच बीच में हो सकती है, अभी दो चार दिनों में हो सकती है, क्योंकि अमावस्या मंगल को आसपास पड़ रही है जी। तो इसलिए यहाँ पे कुछ ग्रहों का उथल पुथल हो रहा है, तो इन सबसे हम बचने के लिए यही एक उपाय है कि हम भगवान शिव की शरण में चले जाएं जी। और हम सभी का कल्याण होगा बिल्कुल। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आचार्य राम जी मिश्रा जी जुड़े थे, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए भोले बाबा को, किन चीजों के साथ प्रसन्न कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आशा करते हैं कि ये सभी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप इन सभी का पालन करते हुए महाशिवरात्रि का व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, भोले बाबा की पूजा करेंगे और साथ ही इस महाशिवरात्रि के दिन भोले बाबा को प्रसन्न करने में कामयाब होंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।